अच्छा जी, तो अगर हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल ले लें, डिलीट को हम लोग जो है वो अब इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये हम लोग सिनेरियो ले लेते हैं जो हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर क्लाइंट कोड में जो वैल्यूज लिखी थी, हमारे पास 10 नॉट, वी जस्ट टेक द एग्जाम्पल जो मैंने आप लोगों को होमवर्क के तौर पे दिया था, ठीक है? तो ये हम लोग वैल्यूज जो है वो ले लेते हैं, इसको क्लाइंट कोड में इन्हीं वैल्यूज को हम लोग जो है वो इंसर्ट कर देते हैं, फिर इन्हीं की बेस पे हम लोग ट्री बना लेंगे। तो 1 2 3 4 5, तो ये जो वैल्यूज हमारे पास बन रही हैं 50 75 100 80 90 30 28 10 5 3, तो ये इसके लिए हम लोग जो है वो एक एम्प्टी बाइनरी सर्च ट्री बना लेते हैं, ठीक है? और फिर उसके अंदर हम लोग किसी को नोड को पकड़ के हम लोग जो है वो डिलीट कर देंगे। तो ये हमारे पास 50 है और अगली नोड हमारे पास 25 है। जब आपको ऐसा एक ऑर्डर में वैल्यूज दी होती है ना, तो आपने उसी ऑर्डर के अंदर वैल्यूज को इंसर्ट करना होता है। जैसे 50 है, 25 अगली वैल्यू, 25 इसके लेफ्ट साइड पे आएगी, फिर हमारे पास 75 इसके राइट साइड पे जाएगी, फिर हमारे पास 100 है, ठीक है? फिर हमारे पास 80 है, फिर हमारे पास 90 है, फिर हमारे पास 30 है। हर हर नोट जब इंसर्ट करेंगे तो उसे रूट से शुरू करेंगे, 30 50 से छोटा है, 25 से बड़ा है, इधर आ जाएगा, फिर 28 है, फिर हमारे पास 10 है, फिर हमारे पास 5 है, फिर हमारे पास 3 है, ठीक है? तो ये आपका होमवर्क था, ये ट्री भी आपने जो है वो बनाना था, और फिर इसके अंदर से आपने रूट नोट को जो है वो डिलीट करना था। तो रूट नोड को डिलीट करने से पहले हम लोग जो है वो स्पेसिफिक केसेस देख लेते हैं कि वन बाय वन हम लोग केस जो है वो पकड़ के उसको जो है वो हम लोग हैंडल करते हैं। इसके हम लोग 4 कॉपीज बना लेते हैं इस ट्री की, ठीक ओके। अब हम लोगों ने करना क्या है कि पहला केस जो है वो हम लोगों ने एग्जीक्यूट करना है। अच्छा, उसे एग्जीक्यूट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि लेट से इसके अंदर से एक रूट नोड को पकड़ते हैं, उसको डिलीट करते हैं। तो उसके लिए हम लोग इरेज का फंक्शन कॉल करते हैं क्लाइंट कोड से, डिलीट, और वैल के अंदर लेट से 3 पड़ा हुआ कि 3 को हम लोगों ने डिलीट करना है। पहले हम लोग उसे फाइंड के फंक्शन को पास करते हैं, वैल्यू मिल जाती है, फिर लोग डिलीट का फंक्शन कॉल करते हैं, इरेज का फंक्शन क्लाइंट कोड से। देखिए, नॉन रिकर्सिव फंक्शन कॉल होगा इरेज का फंक्शन, क्लाइंट कोड से हम लोग रिकर्सिव फंक्शन क्यों नहीं कॉल कर सकते? क्योंकि सर हम रूट नोड का एड्रेस एक्सेस नहीं कर सकते, रूट नोड को यहाँ पे हमें। हम लोग एक्सीलेंट एक्सीलेंट यहाँ पे हम लोग जो है वो रूट नोड का एड्रेस नहीं एक्सेस कर सकते, तो यहाँ से हम लोग इरेज का नॉन रिकर्सिव फंक्शन कॉल करेंगे। लेट से यहाँ पे हमारे पास जो है बूलियन इरेज, ठीक है? इसे हम लोग जो वैल्यू जो ले रहे हैं वो हम लोगों ने चेंज नहीं करनी, तो हम लोग बाय रेफरेंस जो है वो उसको ले लेते हैं। और फिर ये वाला फंक्शन क्या करेगा, ये इरेज आर के रिकर्सिव फंक्शन को जो है वो कॉल कर लेगा, इसे रूट नोड का एड्रेस पास कर देगा और जो वैल्यू डिलीट करनी है वो पास कर देगा। तो लेट से हम लोगों ने 3 इसको पास किया कि 3 हम लोगों ने डिलीट करना है, तो 3 हमारे पास एडीटी के इस इरेज के फंक्शन को हम लोग यहाँ पे 3 पास करेंगे, ये 3 फिर हम लोग फर्दर आगे पास कर देंगे इरेज आर के फंक्शन को। तो अब इरेज आर के फंक्शन से हम लोग क्या करेंगे कि इरेज आर के फंक्शन में हम लोगों ने रूट को प्रेफरेंस लिया, ठीक है?
ये अभी फर्स्ट है तो पीटीआर को चेंज करेंगे तो रूट चेंज होगा, ये आप सबको जो है ना बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। और फिर हम लोग जो है वैल्यू के अंदर थ्री पड़ा हुआ है, तो हम लोग देखेंगे पॉइंटर नल है नहीं, पॉइंटर जो पॉइंटर डॉट डेटा उस वैल्यू के इक्वल है जिसे हमने डिलीट करना है नहीं। फिर हम लोग देखेंगे कि थ्री जो है वो क्या पॉइंटर डॉट डेटा से छोटी वैल्यू है, हाँ थ्री इज लेस देन 50, ट्रू है। तो फिर हम लोग दोबारा इरेज आर के फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है, और इरेज आर के फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे पॉइंटर डॉट लेफ्ट पास कर देंगे। तो पहले देखें आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, पहले पॉइंटर जो है वो रूट को रिप्रेजेंट कर रहा था, जब हम लोग इरेज आर के फंक्शन को दोबारा कॉल करेंगे और इसके अंदर पॉइंटर डॉट लेफ्ट पास करेंगे तो पॉइंटर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा? उसके अंदर एड्रेस 25 वाली नोड का होगा, लेकिन अगर पॉइंटर को चेंज करेंगे तो क्या चीज चेंज होगी? अब्दुल रहमान के अलावा और कोई आंसर करें? सर रूट चेंज हो जाएगा। नहीं, जब रूट तो फर्स्ट कॉल में चेंज होगा ना, अब सेकंड कॉल में इसे रूट डॉट लेफ्ट पास कर दिया, पॉइंटर डॉट लेफ्ट पास कर दिया, अब पॉइंटर के अंदर 25 वाली नोड का एड्रेस है। अब अगर पॉइंटर को चेंज करेंगे तो क्या चीज होगी? अगर पॉइंटर इक्वल टू नल कर देते हैं तो ट्री के अंदर क्या चीज नल होगी? या कुछ भी नल नहीं होगा? सर्टेन वाली प्लेस पे चेंज होगा। देखें पॉइंटर के अंदर जो है वो 25 वाली नोड का एड्रेस है ना सर, नल करेंगे तो 25 वाला नल हो जाएगा और बाकी सारी मेमोरी लीक हो जाएगी। अगर हम लोग पॉइंटर इज इक्वल टू नल करेंगे तो 25 कैसे नल हो जाएगा? इसका मतलब आपने जो बाय रेफरेंस वाला मैंने आपको बहुत ज्यादा जोर देके कहा था कि इसकी आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, वो आपने नहीं की, ठीक है। तो अगर आपको आगे चीजें समझ नहीं आ रही तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आगे आपको कुछ भी नहीं समझ आएगा तो इट वुड बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्योरली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहली कॉल के अंदर हम लोगों ने इरेज आर को रूट पास किया, तो अगर पॉइंटर को चेंज करेंगे तो रूट चेंज होगा। बट इसके ऊपर हम लोगों ने 10 घंटे लगाए हैं, मतलब ये चीज इतनी ज्यादा प्रैक्टिस की थी हम लोगों ने। फिर अब थ्री जो है वो हमारे पास 50 से छोटा है, तो अब हम लोग पॉइंटर डॉट लेफ्ट पास कर रहे हैं और थ्री पास कर रहे हैं, ठीक है। तो पॉइंटर डॉट लेफ्ट जो है वो आपके पास क्या चीज आ जाएगी, पॉइंटर इस जगह पे आ जाएगा, दिस थिंग वुड बिकम पॉइंटर, ठीक है। अब पॉइंटर के अंदर एड्रेस जो है वो 25 वाली नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है, लेकिन पॉइंटर को चेंज करेंगे तो 50 डॉट लेफ्ट चेंज होगा, पॉइंटर इज इक्वल टू नल करेंगे तो ये 25 वाली मेमोरी लीक हो जाएगी। 25 itself leak null नहीं होगा, 25 memory में रहेगा, सिर्फ 50 dot left जो है वो null हो जाएगा अगर यहाँ पे हम लोग pointer को null कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको clear होनी चाहिए थी, अगर आपको ये clear नहीं है तो फिर I don't know आज का lecture आपको लेने का कोई फायदा है या नहीं। In any case हम लोगों के पास जो है वो पहले हम लोग 50 के left पे जाएंगे, फिर हम लोगों के पास दोबारा 3 जो है 25 से छोटा है, तो फिर ptr डॉट लेफ्ट के साथ दोबारा इस फंक्शन को कॉल करेंगे, फिर ptr जो है वो 25 डॉट लेफ्ट बन जाएगा, दैट मीन्स अगर ptr को चेंज करेंगे तो 25 डॉट लेफ्ट चेंज होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है दोबारा 3 जो है 25 से जो है वो हमारे पास छोटा है, तो हम लोग जो है दोबारा 25 डॉट लेफ्ट के लिए इसको कॉल करेंगे तो हमारे पास जो है वो ptr जो है वो 10 डॉट लेफ्ट पे आ जाएगा, ठीक है। ऐसा करते करते हमारे पास 5 डॉट लेफ्ट पे आएगा और आखिर में जब ptr 5 डॉट लेफ्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, अब हमारे पास ptr डॉट डेटा में जो है 3 पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी कि 3 इज इक्वल टू ptr डॉट डेटा। अब ये चीज समझने वाली है कि ptr को चेंज करेंगे तो 5 डॉट लेफ्ट चेंज होगा, ptr डॉट डेटा को करेंगे तो हमें 3 मिलेगा, ptr डॉट लेफ्ट करेंगे तो क्या मिलेगा बेटे? नल सर। नल सर, ठीक है। क्यों नल मिलेगा? क्योंकि सर 3 के आगे कुछ भी नहीं पड़ा हुआ लेफ्ट साइड, ठीक है। पीटीआर के अंदर एड्रेस जो है वो 3 वाली नोड का पड़ा हुआ है, ठीक है। 3 का लेफ्ट भी हमारे पास नल है, 3 का हमारे पास राइट भी नल है, तो पीटीआर डॉट डेटा से हमें 3 मिलेगा, पीटीआर डॉट लेफ्ट और पीटीआर डॉट राइट से हमें जो है वो नल वैल्यूज मिलेंगी। तो यहाँ से तो हम लोग अब उस जगह तक पहुंच गए, उस नोड तक पहुंच गए जिसे हम लोगों ने डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जो है वो इरेज नोड का फंक्शन कॉल कर रहे हैं, इरेज नोड के फंक्शन को हम लोग पॉइंटर पास कर रहे हैं, एंड वी हैव टू पास दिस पॉइंटर
बाय रेफरेंस। क्यों हमें इसे बाय रेफरेंस पास करना पड़ेगा? क्योंकि अगर हम लोग इरेज नोड के फंक्शन को भी हम लोगों ने नहीं उसे इम्प्लीमेंट किया, लेकिन अगर हम लोग इरेज इरेज नोड के फंक्शन को पॉइंटर पास पॉइंटर पर रेफरेंस पास नहीं करते, तो जो एड्रेस पॉइंटर में पड़ा हुआ है वो उसके रिसीविंग पॉइंटर के अंदर जो है इरेज नोड का फंक्शन उसका एड्रेस अपने लोकल पॉइंटर वेरिएबल के अंदर कॉपी कर लेगा। फिर अगर हम लोग उसको चेंज करेंगे तो ये वाला पॉइंटर जो मतलब 5.left चेंज नहीं होगा। तो हम लोगों ने जो इरेज आर का फंक्शन सॉरी इरेज नोड का फंक्शन लिखना है वो इस तरीके से लिखना है कि उसके अंदर हम लोग पॉइंटर जो है वो बाय रेफरेंस लें।